तो फाइनली अंकुश अग्निहोत्री का फाइनल डिसीजन आ चुका है और वो कर चुके हैं अब अपनी लाइफ में मूव ऑन। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता श्रुत ब्लॉग। यहाँ पे हम लेके आते हैं रोस्टिंग और आपके फेवरेट ब्लॉगर्स के रिएक्शन वीडियोस। तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज ये है कि जो हमारे अंकुश अग्निहोत्री हैं वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का फाइनल डिसीजन ले चुके हैं। जैसा कि हम सबको पता था कि अंकुश बता रहे थे कि 21 फेब के बाद आपको मेरे फाइनल डिसीजन का पता चल जाएगा, है ना। तो उन्होंने साथ साथ क्लैरिफिकेशन करने के साथ साथ ये बताया कि पहले मैं प्रीतो के पीछे भागता था, प्रीतो मुझसे भागती थी, है ना, और मैं चीजें ठीक करने की कोशिश करता था, मैं उसके आगे गिड़गिड़ाता था, मैं उससे बोलता था, चीजों की माफी मांगती थी, लेकिन वो मेरी बातों को नहीं सुनती थी। सुनते सुनते मतलब उन्होंने बताया कि मैं वो ऐसी थी, मैं ऐसा था, उसके पीछे जाता था, लेकिन अब जब मैंने फाइनल डिसीजन लिया मूव ऑन करने का तो अब वो पीछे से सीधी होके मेरे साथ भाग रही हैं, लेकिन अब मैं वहां से निकल चुका हूं। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि प्रीतो ने मेरे को कीचड़ बोला था, हाँ जी, अगर आपने एक ब्लॉग में देखा होगा प्रीतो के ब्लॉग में, तो प्रीतो ने अंकुश अग्निहोत्री को कीचड़ बोला था कि कीचड़ में पैर डालने का मेरा मन कभी नहीं होता। तो उसका जवाब देते हुए अंकुश अग्निहोत्री ने आज बोला है कि अब खिलेगा कीचड़ में कमल। मैं कीचड़ हूं या कौन कीचड़ है ये तो हमारी ऑडियंस देख रही है। अंकुश अग्निहोत्री ने ये बताया कि मैं कीचड़ हूं या सामने वाला कीचड़ है ये हमारी ऑडियंस बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, और कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। बिल्कुल, उनके टाइटल से भी आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, अभी अभी जस्ट उनकी वीडियो आई है कि कीचड़ में खिलेगा अब कमल, पॉजिटिविटी, है ना। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रीतो का टाइटल के साथ आया था पॉजिटिव रिस्पॉन्स, उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग वो प्रीतो की तरफ इशारा कर रहे थे, जो बातें वो बोल रहे थे, उन्होंने ये बोला कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो सोशल मीडिया पे खुश दिखाते हैं खुद को, लेकिन अंदर से बहुत परेशान होते हैं, और कुछ लोग बाहर से परेशान दिखाते हैं पर अंदर से खुश होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे अंदर से होते हो वैसे बाहर से होते हैं। तो मैं बिल्कुल वैसा ही हूं, अंकुश अग्निहोत्री ने बोला कि जैसा मैं अंदर से हूं वैसा ही बाहर से भी दिखाने को खुद को कोशिश करता हूं, इसीलिए मैं ऐसा ही हूं और कभी नहीं बदला अपने किसी भी बिहेवियर को लेके। और इनडायरेक्टली उनका टर्नट था प्रीतो के ऊपर कि प्रीतो कुछ और ही है रियल लाइफ में और सोशल मीडिया पे कुछ और ही बनने का ड्रामा करती हैं। बहुत बार अंकुश अग्निहोत्री अपने वीडियोस में बोल चुके हैं कि प्रीतो जो है मनी माइंडेड है, वो मनी माइंडेड कुछ ज्यादा ही है, कोई भी खेल खेलती है सिर्फ पैसे के लिए, सोशल मीडिया पे भी जो ड्रामे दिखाती हैं वो सिर्फ पैसे के लिए करती हैं। ये तो हम सबको ही पता है कि सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करूंगी करके वो सारी चीजें शेयर भी कर देती है, सब कुछ बता भी देती है, और कहती है मैं सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को नहीं लेकर आती, लेकिन वो लेकर भी आ जाती हैं। खुद के मुंह से नहीं बोल पाती हैं तो किसी और चैनल को पकड़ के बुलवा लेती हैं, है ना, या फिर अपना ही कोई फेक चैनल क्रिएट करके सारी बातें अंकुश अग्निहोत्री की बोल देती हैं। अच्छा, जुबान पे कंट्रोल किसके नहीं है, प्रीतो के। क्या बोलती है प्रीतो, हमेशा गाली गलौज देती रहती है इनडायरेक्टली अपने हस्बैंड को, कभी कागजी हस्बैंड है, कभी कीचड़ बोल दिया, कभी मुंह काला करवा के आया, मतलब ऐसे सर्वल चीजें उन्होंने बोली है जिसकी की गिनतियां नहीं अब तक के अपने ब्लॉग्स में। मतलब 3 साल से तुम उस हस्बैंड को भूल गई थी, आज तुम्हें वो हस्बैंड याद आने लगा इनडायरेक्टली। तो अब उनके हर टाइटल से हमें यही पता चलता है, घर बसाना चाहती हूं, पति की इज्जत मेरी इज्जत है, मतलब 3 सालों से उनको ये सारी इज्जत चीजें याद नहीं आती, शायद अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि वो क्या खो रही है अपनी लाइफ में। लेकिन एक कहावत कहते हैं कि अब तो खो दिया, अब तो कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि अंकुश अग्निहोत्री अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाने का फाइनल डिसीजन ले चुके हैं। अब ये देखना है कि क्या उनकी लाइफ में कोई दूसरा है जिसको वो ऑलरेडी पसंद कर चुके हैं, या किसी और से वो शादी करना चाहते हैं, या कोई है उनकी लाइफ में जो इसीलिए वो मूव ऑन करने का फैसला ले चुके हैं। ये तो देखो टाइम के साथ पता चलेगा, वक्त के साथ पता चलेगा। अच्छा, बातों बातों में उन्होंने ये भी बताया कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन हम लोग लेके आ गए हैं, और जो भी कोर्ट फैसला लेगा, है ना, चाहे वो बच्चे के मेंटेनेंस को लेकर हो या बीवी के मेंटेनेंस को लेकर हो, वो उसके हिसाब से करेंगे जैसा कोर्ट उनको बोलेगा करने के लिए। अच्छा, साथ के साथ उन्होंने एक बहुत कड़वी सच्चाई बताई कि अगर जेंडर इक्वालिटी है हमारे देश में, वाइफ हस्बैंड बराबर है, तो फिर ये वाइफ क्यों जताती है कोई भी चीज करके कि ये मैंने किया है। आदमी 1000 चीजें करता है पर वो गिनवाता नहीं है, पर औरतें अगर करती है तो वो क्यों गिनवाती है। इनडायरेक्टली उन्होंने पॉइंट आउट किया है प्रीतो को,
मतलब प्रीतो कोई चीज करके गिनवाती है कि ये चीज मैंने किया है, वो चीज मैंने किया है, और अगर आदमी वही चीज कर लिया तो क्यों नहीं गिनवाया। तो बात तो बिल्कुल सही है। देखो सो इनडायरेक्टली प्रीतो पे उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए। एलिगेशंस क्या बोलते हैं, सच्चाई बता दिया, जो कि हमें प्रीतो के वीडियो में भी देखने को मिलती रहती हैं। अच्छा, उन्होंने खुल के आज बताया भी कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन प्रीतो जो है हमारी, वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है, उनका झूठ ही खत्म नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कि हमारी प्रीतो कौन सा टाइटल वाला वीडियो बनाती है और क्या टाइटल डालती है। क्या वो वीडियो धमकी भरा होगा, या वो वीडियो मतलब किस टाइप का होगा, झूठों भरा होगा, क्या वो वीडियो झूठ भरा होगा, देखने बनेगा, है ना। तो इंतजार करते हैं प्रीतो के वीडियो आने का, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।